सर क्या हो क्या रहा है? पहले तो सबको हेलो जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आप लोग आए। सेकंड एंड की पूरी टीम से मैं आपका थैंक्स करता हूँ। दोबारा पूछिए। मुझे ये बताइए, कल ही वट सावित्री का व्रत हुआ था, 7 जन्मों तक एक ही पति चाहिए महिलाओं को, आप सेकंड हैंड हस्बैंड बन रहे हो सर, कैसे? देखो मेरी फिल्म में तो मैं टेक्निकली ये बात बता रहा हूँ, बट जनरली तो आजकल देखती हैं सारी सेकंड हैंड है जी घर में जो घूम रहे हैं। ओके, तो हमारी जो फिल्म है उसमें असली रूप है जो पतियों का वो दिखाया हुआ है। सो समीप जी हमारे डायरेक्टर जो बैठे हैं, इन्होंने जब मुझे ये फिल्म सुनाई थी, क्योंकि हमने काफ़ी फिल्में पंजाबी में की, बड़े गाने गाए, ऑलमोस्ट 2000 से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, तो पंजाबी में बनानी थी ये फिल्म। मुझे लगा कि यार ये तो ऐसा फ्लेवर है कि इसको हिंदी में बनाना चाहिए कि दोनों ऑडियंस एंजॉय करेंगे। सो बाकी और पूछिए, बताता हूँ जी। मैं पूछूंगा सर, आप तो ऐसे मतलब एकदम तलवार लेके सर मार ही डालोगे। मुझे पीछे उन्होंने बताया कि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, जो पूछे उतना ही बता के फटाफट पूछते रहना। मैं कुछ पूछने नहीं वाला, ऐसे डरा डरा के सर धमका रहे हो यहां पे। पतियों की असली हालत अभी आप निकलते हैं ना जी, मुझे पहले ही इन्होंने बोला कि ये बॉम्बे है, बॉम्बे का मीडिया है, डर के थोड़ा ध्यान से बोलना, ये बोलना, सो मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ थोड़ा। भाजी बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे लिए बड़ी इंडस्ट्री है, मैं पहला मेरा डेब्यू है, सो उम्मीद है कि ये प्यार देंगे, क्योंकि जितना प्यार पंजाबी में मिला है सो होप सो हिंदी में भी उतने मिले। जैसा मैंने कहा, यहाँ फिल्म का ही लॉन्च नहीं है, आपका हिंदी फिल्म में लॉन्च है, उसके अलावा टीना आहूजा जी को भी लॉन्च किया जा रहा है जी, आप ही गॉर्जियस को-स्टार जो है उनको प्लीज आप ही बुलाइए यहाँ पे स्टेज में जी। बिल्कुल, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि गोविंदा जी इनकी फिल्में देखते आए, और ये जो फिल्म है इनके जोन की फिल्म है, जितनी फिल्में हमने इनकी देखी हैं, एक जो कॉमेडी होती थी नेचुरली इनको देख के मुझे तो हंसी आ जाती है। सो मैंने इनको आज ही बताया, मैं 2005 में पहली बार बॉम्बे आया था, तो मैं एक सड़क पे जा रहा था, तो मैं सबसे पहले बच्चन साहब के, क्योंकि कोई भी आता है तो कहते थे कि ये बच्चन साहब का घर है, सामने ही होता है वो, तो बच्चन साहब के घर पे चला गया कि मिलना है, वो मिले नहीं, फिर पाजी के तरमपा जी के घर में गया था, उस पाजी आउट ऑफ टाउन थे शायद, ये भी नहीं मिले। सो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे रोड पे ही सर जी मिल गए, गोविंदा जी। सो मैंने इनको बताया कि 2005 में मिला था, सो आज मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं आपकी बेटी के साथ काम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।